ग्राम बमोली विकास खंड द्वारिकाल पट्टी डबराल से हूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। गढ़वाल के संस्कृति का सभी दर्शक होते हैं सेवा सोनी सेवन पहला हुआ नमस्कार प्रणाम। मैं सुरेश बरूनी और आप देख रहे हैं गढ़वाल की संस्कृति। आज मैं डबराल से का बमोली गाँव जाऊँ चमतल से एक क्वीनर होने और मत तरफ क्या जो सलको का कम जे ओ मथे धार अरे वो एक जो दुई कोड़ सुनो ओ के छ हां वो सलको सलको में छेजन लोग हां भेजे छे अच्छी है सलको। और ये बदा खिनी बदा ये बदा खिनी छे एक कत तीन तीन चार परिवार छे ने हां अब मोर मोर तरफ क्या छ मोर तरफ शहर शहर ये शहर से खेती खूब जी हां जो भी छे ना। अच्छा जी यार वे एक पले तरफ गटकोट मुड़ी कुठार यो चो कुठार एक भी छन्नी एक तरफ छन्नी एक तरफ छन्नी छे ना खेती खोज कुठार में दिखेणी हेर दिखणो छे जो भी छे और ये जो कुठार गांव और मुड़ी कल से जी कल से ये कल से ये कल से जे और रेस और मत्ती छे रेस यो रेस और एक तरफ वो नेल यो जो नेल यो नेल जे नेल के बाद परसुली और परसुली के बाद मतरे परसुली खाल उबरे सिलो के कोटद्वार रिस्के जा सकदा यू टू मस्ट यू मस्ट गांव मस्ट तो चुपड़ा ये तरफ पाली पाली कहे मस्ट खाल और यो समय पर दसमेरी। मैं रविंदर सिंह रावत पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारी खाल ग्राम बमोली। तुम अमेत कर जे हमर और नी आप नी से वीडियो फोन डर दिन छनी छनी आई ना छनी छनी अब गदना पहन जो पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी का पद पर छाई सर 1975 से और सन 2010 तक चेते में रोटी कौन के बोलन कल हो कौन आलेर कल वो वा मक्के के दिन है अक्के बनाना बना नहीं घर बना दे बाजार के ला स्वालो बना से क्या कह दिन स्वालो पकौड़ी पूरी अब बनाने भी नहीं ना तो बाजार के ला सोंगा अब बाजार में मिठाई लेकर बस। इस गांव में कई स्वतः शरम सेनानी हुए हैं इनमें मुख्य रूप से कर्नल कुलदीप सिंह रावत जी जो फौज में लेफ्टिनेंट थे। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वो आज़ादी फौज में चले गए और सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको अपना निजी सचिव नियुक्त किया। इसके अलावा कर्नल श्री कृपाल सिंह रावत जी भी फ्रीडम फाइटर थे, वो इस विकास क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख भी रहे 18 साल तक। देव सिंह रावत जी भी फ्रीडम फाइटर थे, चतर सिंह रावत जी भी फ्रीडम फाइटर थे और संग्राम सिंह रावत जी। इस प्रकार लगभग 5 लोग हमारे गांव में स्वतः संग्राम सेनानी थे। मेरा प्रशासन से ये भी मांग है कर्नल बुद्धि सिंह रावत जी के नाम पर कुछ न कुछ इंस्टीट्यूट खोला जाए और मेरी ये भी मांग है क्षेत्र के किसी भी इंटर कॉलेज का नाम कर्नल बुद्धि सिंह रावत जी के नाम पर रखने की कृपा की जाए। हमारा जो प्राथमिक विद्यालय है वो उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय है। आज भी हमारे यहाँ भवन की बहुत दिक्कत है। हमारी ये भी मांग है कि उस विद्यालय का जो भवन है उस भवन का पुनरुद्धार किया जाए, नया भवन उस विद्यालय के लिए बनाया जाए, ये हमारी प्रशासन की मांग है। ये देवीखेत रोड से ये रोड चलो सैन बटी और देवीखेत जानी वैसे कि नहीं फिर बहुत सी मिल जानी बहुत सी पोखाल यो बमोली खाल से यह रोड चल जाए सीधा बमोली गांव में ग्राम बमोली पट्टी डबराल से हूँ।
किसकी बनारस की, ये बहुत अच्छी लड़की है, ये इतनी अच्छी डांसर है ना, ये बहुत अच्छा डांस करती है वो। हेलो, चलो 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 अभी भी इतने काफ़ी लोग छन, पलायन कम छ और खेती बाड़ी भी ठीक ठाक छ। बंद और उजड़े मकान ये गाँव में बहुत कम छन, गिने चुने मकान छन जो उजड़े छन या जो बंद छन। बमोली में अभी भी लोग खेती करना छन घर का आसपास, और जो खेती जो सारी छ वो हरी भरी दिखेनी छ। लसन लगी छ, यहाँ प्याज लहसुन जौ छन, खेती लगभग ठीक छ और जगह बजाय। जबकि एक भी बंदर बहुत ज़्यादा छन, फ्राज बीन भी लगी छ, क्यों जो लई है सभी कुछ। तेरा नाम क्या? मेरा नाम राधिका है। ये मकान पर्पल है, मारे पड़ी छे मकान बंद ही लगो, और कुछ घर ना छे। काफी बड़ा गांव छे बमोली। नमस्ते, और ठीक ठाक? ये मकान कह छे बंद छे, ये कह छे मकान मतलब। अच्छा, गुंडी बंदर साहब खेती करना चुका था तू तो ना ना अंतर सुबह भी शाम भी जुगाड़ कर मतलब दिन बांध रहा रात सुंग डबराव सिंह पट्टे को बमोली गाँव से, और एक साइड में एक छन्नी छन्नी छन छन्नी एक साइड में छन, और एक साइड में गाँव से एक साइड में पूरी गौशाला छन, और दूसरी साइड में गाँव छ। बड़ी बड़ी बाजी बढ़िया धनिया को भी भाई को जो भी बढ़िया है। पंचायत भवन बमोली, आज जबकि तमाम लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है, ग्राम बमोली के लोग अभी भी खेती करते हैं। हमारे यहाँ से अभी पलायन बहुत कम पलायन हुआ है, और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि लगभग 10 जोड़ी बैल अभी भी हमारे गांव में, हमारे गांव के लोग पूरी खेती करते हैं, और बरसात की तो लगभग पूरी खेती होती है। सुबह टाइम तो बच्चे लोग स्कूल जाने थे, सब बैग लेकर लगे थे दोस्तों। जयराम जी की, और ठीक ठाक? इन्हें झाड़ू के लिए जाने थी उसको, खुश रहो खुश रहो। ये बार क्या अच्छे हेव चेते में नकल हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इन तो हूँ ही रहो। Thank you.
और जैसे भाई ठीक ठाक बाय बाय बाय। क्या नाम क्या जैसे नाम बता दिव्यांशी बंपू नमस्कार। भैया ना सफ़ेद चलो ठीक ये बाजी तो दिए थे तो काम अब तुम हाँ रोटी नाश्ता अच्छी बात तकेले था कारण तुम कि ना तो तेरे संता गड़मा ना ना सब नौकरों आओ इधर ना तो नौकरा ये कितने कौन जी है? ये कितने कौन जी हमारे यहाँ तो पूरी खेती हो सकती है लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ घेर बाड़ है जंगली जानवर बहुत नुकसान करते हैं। हमारा शासन से अनुरोध है घेर बाड़ करवाइए। अगर घेर बाड़ हमारे गाँव में हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि 100% खेत हमारे गांव में आबाद हो जाएंगे। नमस्कार जी अच्छा अब... म्यार बैठे उन गांव में पहला म्यार कनवांस मतलब जन्मभूमि रहेंगे लोग कोरदार भावर में आपको शुभ नाम क्या था भगवान से रावत खेती फसल वगैरह जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए लेकिन आजकल जमाने में जंगली जानवर की वजह से बहुत नुकसान हुआ है इसकी वजह से लोगों को चक्कर खेती करना आ गई है। जानवर भी पालना चाहिए कर लोग लेकिन खेती छुट्टी है तो जानवर भी पारंपरिक जो खेती है ये तो जानवर बहुत नुकसान पहुँचाने से तो ये खेती जुगल कन्व करे जाओ और यहाँ के अलावा कुछ और विकल्प कैसे नहीं कि जो होता जानवर नुकसान नहीं पहुँचा अगर शासन द्वारा तार घेरवार करे जाओ और शांता को मैं तारवार से लेकिन कुछ कुछ तो तारवार भी प्रस्तावित कुछ अंदर थोड़ा सा हो गया थोड़ा सा तेरी से आगे कार्यक्रम चल पौधने की खेती जो लेमन ग्रास तो यो अगर यहाँ खेती करी जाए तो कन रहा बहुत बढ़िया रहा जी साहब ये तो भी क्या जंगली जानवर भी थोड़ा नष्ट भी करी जाओ ना, ना जंगली जानवर ना तो लेमन ग्रास तक खा तो ना पौधे ने देखा और पौधे की डिमांड बहुत है जी जितना डिमांड है उतना उपलब्ध नहीं मार्केट में और ये ज़्यादा मेहनत भी नहीं